जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पे वो स्किप करने की कोशिश कर रहा है, वीडियो को आगे कर रहा है, और जहाँ पर वो है ना उसे वो बड़े ध्यान से देख रहा है और हमें भी दिखा रहा है। नमस्कार और गुड मॉर्निंग साथियों, आप सबको हैप्पी गुड मॉर्निंग। और भाई आज का सीन ऐसा है कि मैं सुबह उठ गया था जल्दी और बाहर गया था मैं वॉक करने, और उससे वापस आया हूँ मैं अभी, और बाहर का मौसम एकदम ज़बरदस्त है। एक्चुअली मेरा प्लान था कि रनिंग का और रनिंग लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग की मैं तैयारी कर रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे कि आपको पता है मेरे पैर में चोट लग रखी है, तो रनिंग मुझे जो है स्टॉप करनी पड़ेगी कुछ दिनों के लिए, 2-4 दिनों के लिए, जब तक ये हील नहीं हो जाता और रिकवर नहीं हो जाता मैं, उसके बाद फिर हम रनिंग करेंगे। अगर मैं ऐसी रनिंग करूँगा तो भाई और ज़्यादा इंजर्ड हो जाऊँगा, फिर और लंबा टाइम लगेगा रिकवरी में। तो उसको मद्देनजर रखते हुए रनिंग हम थोड़ा स्टॉप करेंगे और हम करेंगे हल्की सी पुशअप्स, वेरियस टाइप के पुशअप और वेरियस टाइप के सिटअप्स, बेसिक एक्सरसाइज जो होती है जो कि हमने सीखी है बहुत पहले जब हम करते थे अपने टाइम पे, तो उन्हीं को हम दोबारा दोहराएंगे बेसिक लेवल के, ताकि हमारी बॉडी जो है एकदम हल्की से रिचार्ज होती रहे ना लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के लिए। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं। देखिए बेसिक एक्सरसाइज जो हम घर के अंदर ही कर सकते हैं, ये हमारा फ्लोर है और यहीं पे मैट है हल्की सी, और हल्की सी स्ट्रेचिंग करेंगे बिफोर एनी एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं बेसिक लेवल के, और हम जो पुशअप मैं करता हूँ थोड़ा अलग लेवल के होंगे, शायद हो सकता है आपने देखे ना हो अभी तक, तो अगर आपको कुछ सीखने को मिल सकता है इनसे तो ज़रूर अप्लाई करिएगा अगर आपको बेनिफिट नज़र आ रहा है। और अगर आपको इससे बेहतर एक्सरसाइज पता है जो घर पर हो जाती है कार्डियो टाइप की, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेज दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने एक्सरसाइज। सो गाइस, स्ट्रेचिंग मैंने कर ली है और इसके ऊपर भाई देखना पड़ेगा, काफ़ी स्लिपरी भी है ये। तो पहली एक्सरसाइज हम करेंगे स्पाइडर पुशअप, जो कि चौड़े वाले होते हैं, आई गेस कि एक बहुत स्लिपरी है, तो उसको मैं हटा दूंगा, नीचे ही करता हूँ पूरे प्लेन पे ना, सही रहेगा फिर फ्लोर पे। हाँ ये काफ़ी स्लिपरी है भाई, लग रहा है कहीं हाथ पैर लगे तो निकल जाएगी। तो अपना पहला पुशअप करेंगे हम स्पाइडर, स्पाइडर जैसे आप पता होगा कि वाइड होता है, तो पंजे फैला के एकदम चौड़ा पुशअप करेंगे, है ना, होपफुली आप देख पा रहे होंगे, और बेंड एकदम कमर सीधी जैसे कि आपको दिख रहा ही होगा, और हम जाएंगे नीचे सीधे, जैसे हो गया एक, और स्पाइडर मतलब 2 इंच कम से कम धरती से ऊपर आपको चेस्ट रखनी है और 4-5 सेकंड के लिए होल्ड करना है और फिर जाना है ऊपर। तो गाइस ये हो गया स्पाइडर पुशअप, और अभी भाई मेरे को आदत नहीं है, बहुत टाइम बाद पुशअप स्टार्ट किए हैं, जिस टाइम पे जब मैं करता था तो 100-150 हम एक टाइम पे करते थे। इसके बाद हम करेंगे दूसरा पुशअप अपना, जो कि जो टक इन है, मतलब ये जो एल्बो है ना, इन्हें हम अपने शोल्डर, ये जो अपनी कमर है उस पर एकदम चिपका के रखेंगे, और ये पाम सीधे रहेंगे जैसे देख सकते हैं आप। कोशिश करेंगे ये एल्बो जो है क्लोज रहे हमारे बैक से, जैसे ये होल्ड करने के बाद ये ऊपर। सो ये हमारे 2 टाइप के पुशअप्स हो चुके हैं, और तीसरा पुशअप अभी करते हैं जो कि है एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम, और तीसरा पुशअप हम करेंगे चलो जो कि हमारा है एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट। मतलब पहले वाले में हम दाया हाथ आगे रखेंगे, बायां पीछे, और दूसरे वाले में अपोजिट कर देंगे। तो शुरू करते हैं इसको भी, जैसे आप देख सकते हैं दाया हाथ आगे है और बायां पीछे है, और क्लोज रखेंगे बॉडी से इनको। एक टाइम पे जो हम 10-10 सेकंड के लिए होल्ड करते थे, और कभी कभी 20-20 सेकंड के लिए, और जो कहते थे ना लड़के लोग कि कितने पुशअप कर सकते हो आप, तो कई कहते थे 5, तो कई कहते थे 10, तो हमारी काउंटिंग 1, 2, 3, 4 से नहीं होती थी, हमारी काउंटिंग होती थी जैसे नीचे जाओ 1, 0, एग्जाम्पल दे के दिखाता हूँ आपको, ऐसे जैसे 0, N, E, 1। सो ये मतलब एक पुशअप जो है ना वो 4 पुशअप का कम्बो होता था। कंटिन्यू करते हैं अपनी एक्सरसाइज जो कि अभी एक्सट्रीम राइट। मैं बहुत टाइम बाद कर रहा हूँ एक्सरसाइज, बहुत टाइम बाद पुशअप, ऑलमोस्ट कई सालों से मैंने छोड़ रखे थे, नहीं करता था, रनिंग नहीं करता था मैं ज़्यादातर, लेकिन अभी कर रहा हूँ जब इंजर्ड हो गया। और इसके बाद एक जो मोस्ट डिफ़िकल्ट, जो अपने टाइम पे मुझे लगता था बहुत ही हार्ड टाइप का पुशअप था, वो है हमारा डायमंड पुशअप। तो पुशअप का हमने नाम रख रखे थे अपने एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग, पुशअप डायमंड। डायमंड पुशअप जो है ना, मैंने बहुत सारे स्टडी लड़के देखे हैं जिनकी बॉडी मास मतलब बहुत बॉडी बना रखी है उन्होंने जिम में, लेकिन डायमंड पुशअप करते टाइम वो फिस हो जाते थे। तो किसी की बॉडी में कभी मत जाइएगा कि इतनी मसल्स है, इतना चेस्ट बना रखी है, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स सब कुछ है, एब्स हैं, लेकिन डायमंड पुशअप में वो भी फेल हो जाते थे। तो देखना चाहोगे क्या होता है डायमंड पुशअप,
बहुत हार्ड है, इन सबसे सबसे हार्ड है ये, टफ मतलब एडवांस लेवल का लगा सकते हैं आप। और लास्ट बट नॉट लीस्ट एक और पुशअप मैं आपको बताता हूँ, तो इसमें थोड़ा खतरा भी हो सकता है, जिनके स्पेशली शोल्डर मजबूत नहीं है तो उनके नी इंजर्ड होने का चांस रहता है। ये सबसे डेंजरस नहीं कह सकते लेकिन सेफ नहीं है, क्योंकि आप लैंड जमीन पे करोगे, आपके पैर जो जमीन पे नहीं रहेंगे हवा में रहेंगे। दिखाता हूँ कैसे, ऐसे यू ऐसे, और पाम जो भी आपको पसंद हो, जिस भी टाइप का पुशअप है ना, बैक सीधी रखनी है, उसके बाद ये इसे हम रेकमेंड नहीं करेंगे कि आप इसे करें, ये थोड़ा मतलब सेफ नहीं है इतना, हो सकता है स्लिप हो जाए, आप गिर जाओ, नाक लग जाए, तो देख के करना। जो बेसिक लेवल के हैं लोग हैं वो तो बिल्कुल भी ना करें। सो दोस्तों अभी हम जो है थोड़े सिटअप करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने सिटअप्स किए नहीं है, इसके लिए मुझे एक आदमी की ज़रूरत पड़ेगी ताकि मेरे तो पेड़ जो है ना अपना नी रख के तो मुझे सपोर्ट मिले। लेकिन ठीक है, अकेले करने की कोशिश करता हूँ, अभी कोई मिला नहीं। अगर जैसे आपको अकेले करने हो तो अपने पैर जो है ना ये पंजे टू आप ऐसे फंसा सकते हैं किसी चीज़ के अंदर यूँ, और उसके बाद पुशअप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन इसमें जैसे कि आपने देखा होगा कल मेरा पैर इंजर्ड हो गया था इसी वजह से, तो इसमें हम रिस्क नहीं लेंगे। कोई अच्छा अगर मिल जाता आपको कहीं पर दीवार या कुछ सॉफ्ट सा तो आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हम बेसिक करेंगे। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट पुशअप। देखिए इसमें जो है मेरे पैर उठ रहे हैं क्योंकि सपोर्ट नहीं है, ठीक है ना। अब दूसरा पुशअप हम इसको ऊपर कर देंगे नी को, और फिर करेंगे ये ऐसे में दिख जाएगा आपको, तिरछा होऊंगा ना मैं तो दिख जाएगा। तो घुटनों पर टच करने हैं अपने एल्बो ये, उसके बाद ये राइट एल्बो लेफ्ट नी पे टच करने की कोशिश करेंगे, अगर हो जाएगा मेरे से तो। हो रहा है भाई, फिर यही रिपीट करेंगे, ये भी हो रहा है। और एक थोड़ा एडवांस लेवल का है, उसे भी कोशिश करने की करता हूँ मैं, काफ़ी टाइम से मैंने किया नहीं है। तो हाथ वैसे जगह ऊपर रखने आपको, और पैर ऊपर ले आना यूँ, और फिर जो अंगूठा है ना पैर का वो टच करने की कोशिश करना है। जैसे कि इसे आप होल्ड करेंगे ना जितना, तो इतना आपके एप्स बनने मतलब प्रेशर पड़ेगा तो एप्स जल्दी बनेंगे। थोड़ा एडवांस लेवल का ये, ऐसे दो, फिर सो ये हमारे कुछ बेसिक एक्सरसाइज थी। सो भाई ये जो मैंने बताई एकदम बेसिक टाइप की, बहुत सारे लोग हमें से पता क्या गलती करते हैं, वो एक्सरसाइज कर लेते हैं बहुत ही हार्ड कोर एक्सरसाइज, और उसके बाद जो है वो पानी पीना भूल जाते हैं। तो भाई ड्रिंक का बहुत ज़रूरी है, अगर आप कुछ भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, या फिर कुछ कार्डियो कर रहे हैं, या जिम में जाते हैं, तो पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में काफ़ी मतलब आपको हमारी बॉडी को काफ़ी काम करना पड़ता ना, तो पानी बहुत ज़रूरी है, पानी पीना बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि पानी पियो, लेकिन ये नहीं बताते कि कितना पीना चाहिए पानी। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल फंडा है। आपको वॉशरूम जाना है, आपको अपनी यूरिन का कलर चेक करना है, अगर येलो आ रहा है और डार्क येलो है तो मतलब बहुत ख़तरनाक है, बिकॉज डिहाइड्रेशन कैन किल यू। और आपको तब तक पानी पीना है जब तक आपका जो यूरिन है ना पेशाब वो ट्रांसपेरेंट ना हो जाए, नॉर्मल ना हो जाए, तो इतना आपको पानी। ब्रेकफास्ट आज हमारा है सूजी, और सूजी के साथ हाफ ग्लास ऑफ दूध। सो ये हमारा ब्रेकफास्ट होने वाला है, एकदम लाइट है, कुछ हैवी नहीं खा रहे हम आज, और हम सोच रहे हैं थोड़ा वेट जो रिड्यूस करने की। अभी चल रही है एडिटिंग धड़ल्ले से, पिछले एक या डेढ़ घंटे से मैं कर रहा हूँ लगातार एडिटिंग भाई, और एडिटिंग बहुत स्लो हो रही है, क्योंकि अगर आपकी वीडियो 10 मिनट की है ना तो लगा लो कि काट फाड़ के 5 मिनट की बनती है वो वीडियो। तो मैं बनाता हूँ 8-9 मिनट की वीडियो, तो लगा लो कि 15-16 मिनट की जो वीडियो है ना उसे छांट के आपको 10 मिनट की काटनी पड़ती है, और फिर एक दो बार उसको जो है रिवाइज़ करना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो 10 मिनट का वीडियो है तो दो बार चेक करो 20 मिनट तो वही हो गए, कटिंग 40, थंबनेल टाइटल लगा के पूरा एक घंटा तो मिनिमम हो ही जाता है यार, जो प्रोफेशनल है। हम अभी अनट्रेन है, नोवाइस हैं, तो हमको 1.5 घंटा लग ही जाता है, इसलिए अच्छा अभी दिखाता हूँ आपको एडिटिंग यहाँ पर कैसे चल रही है। गाइज ये देखो अपलोड हो रहा है, और अभी अपलोडिंग में कितना है 5% अपलोड हुआ है, तो इंटरनेट बहुत स्लो है यार यहाँ पर, है ना। मेरा है एयरटेल का सिम 4G, बहुत स्लो चलता है यहाँ पर, क्या करूँ। सोचता हूँ कि कभी कभी वायरलेस लगा लूँ वाईफाई, लेकिन फ़ायदा नहीं है ना, फिर मुझे बेनिफिट इतना नहीं रहेगा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए।
तो चलो थोड़ी देर में बाहर चलते हैं फिर। सो दोस्तों बाहर चलते हैं थोड़ी देर में, और अभी हम थोड़ा चाय नाश्ता चाय पानी जो भी होगा यहाँ पर पड़ा हुआ उसे लेते हैं, उसके बाद चलते हैं बाहर, है ना। थोड़ा पानी पीते हैं, और भाई पानी यहाँ पर जो है ना नॉर्मल नलके से कभी मत पीना पानी, इसमें चूना होता है, बहुत डेंजरस है जो कि शरीर के लिए। यहाँ पर है आरओ जो कि ऑलमोस्ट सभी घर में आपको मिल जाएगा, तो देहरादून में यही बड़ी प्रॉब्लम है, पानी का बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पर। हर घर में आपको आरओ दिखना पड़ेगा, हर घर में आपको आरओ दिख जाएगा भाई, और आरओ का पानी फिल्टर होके आता, तो इट्स क्वाइट सेफ टू ड्रिंक। और जहाँ पे मैंने विजिट किया ना, जिन जिन के घर में मैं गया हूँ देहरादून में, हर घर में मैंने आरओ देखा लगा हुआ। यहाँ का पानी जो है ना चूने से पूरा भर रखा है। अगर आप जैसे मैं कभी बाल्टी भरता हूँ ना कि बाथरूम में, हम कभी बाल्टी फिलअप करते हैं नहाने के लिए, तो भाई जब सुबह को मैं उस पानी को देखता हूँ ना, तो उसके ऊपर जो लेयर होती है ना, वो परत होती है ना, वो एकदम मतलब जैसे चूना नहीं होता ऐसी होती है वो पूरी। तो पता नहीं क्या होता है, वो चूना होता है या कुछ और टाइप का मिनरल्स है, आई एम नॉट श्योर, बट जो भी वो क्वाइट डेंजरस है हेल्थ। पर अगर आप यहाँ के रोड साइड रेस्टोरेंट जो छोटे रेस्टोरेंट होते हैं उनमें अगर आप विजिट करोगे खाना पीना के लिए, अगर उनमें जाओगे तो वहाँ पर भी खराब पानी जो है वो सर्व करते हैं। बड़े रेस्टोरेंट या होटल का मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैं गया नहीं हूँ भाई, अभी इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हम, लेकिन जो छोटे रेस्टोरेंट है ना उनमें यही पानी मिलता है और यही लोग पीते हैं। तो भैया अभी आर ओ हमारे साथ आ चुका है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पे कर रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप ही आर ओ जो है ना हमारी वीडियो देख रहा है, और जिस वीडियो में कल वो था ना, वो उसका ध्यान केवल उसी पे है। देखो ये वीडियो, जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पे वो स्किप करने की कोशिश कर रहा है, वीडियो को आगे कर रहा है, और जहाँ पर वो है ना उसे वो बड़े ध्यान से देख रहा है और हमें भी दिखा रहा है। आरू दूध भी इसने बड़ी मुश्किल से पिया है, अभी केवल वीडियो पे खुद को देखना चाहता है ये। बड़े होके क्या बनोगे? यूट्यूबर बनोगे? बच्चों का रिएक्शन बहुत ही क्यूट होता है यार, जो खुद को देखते हैं ना। और आरव यहाँ पे बड़े गौर से अपनी वीडियो देख रहा है, जिस भी थंबनेल में उसको अपनी वीडियो नजर आ रही है उसी पे वो क्लिक कर रहा है, बाकी सब वो जो है स्किप कर रहा है। देखो इस वीडियो को चलाने की कोशिश कर रहा है, अभी इंटरनेट इतना फास्ट नहीं है इसलिए बफरिंग कर रहा है।